सो हे गेमर्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं सिटीज स्काईलाइंस। सो लास्ट वाली गेम प्ले वीडियो में हमने अपने सिटी में एक ऑयल प्लांट लगा दिया था, बट काफी टाइम के बाद वो बहुत ज्यादा डिजास्टर साबित हुआ, क्योंकि उसके नीचे जितना भी क्रूड ऑयल था वो सब खत्म हो गया और जितने भी हमने पंप्स वगैरह लगा थे वो काम करना बंद कर दिए। अब इसको हम दोबारा से रेनोवेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सिटी को ठीक करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन तक गुड्स नहीं पहुंच रहे थे और वो अब पहुंचने लगे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को ये वाले सिटी हटानी है, इसको मुझे दूसरी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पे सुनामी वगैरह ना आए। और वो मुझे लगता है ये वाली जगह बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ तक पानी पहुंच नहीं सकता, काफी ऊपर जगह है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या हमें ये जगह मिल सकती है, एग्जैक्टली मिल सकती है। और हम ये बाय करने वाले हैं, 30,000 इतना महंगा है, पता नहीं क्यों महंगा बेच रहे हैं। और पूरी सिटी अपनी जो है ना वो मुझे यहाँ पे लानी है, क्योंकि यहाँ पे ना सुनामी का कभी कोई खतरा नहीं रहेगा। और ये सिटी कम से कम 5 बार डूब चुकी है ऑफ द कैमरा जब मैं खेल रहा था, अभी के लिए मुझे वहां पे जाना है और रोड्स वगैरह बनाने हैं। ऑलराइट, डे हो चुका है, बट इसको प्लेन करने में बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है और मैं इसको प्लेन नहीं करने वाला। इसको ना यहाँ पहाड़ पे ही बना लेते हैं, थोड़ा सा प्लेन कर लेंगे, थोड़े बहुत रोड्स ऐड कर लेंगे और दैट्स इट। बस मुझे देखना है कि क्या हम इसको थोड़ा बहुत प्लेन कर सकते हैं या फिर कुछ ज्यादा प्लेन करना पड़ेगा। फटाफट ना इसको प्लेन कर लेते हैं, देखते हैं कितना टाइम लग जाएगा। ज्यादा प्लेन नहीं करना, बस थोड़ा सा ही प्लेन करना है। ओके, तो मैं इसको प्लेन बिल्कुल नहीं करने वाला, ये इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और ये पैसे भी जा रहे हैं, 3 लाख रुपए खर्च हो गए और कुछ हुआ भी नहीं। तो मुझे बस रोड्स बिल्ड करने हैं यहाँ पे और इसको बंद करना है यार सबसे पहले ऊपर। चलो फटाफट से ना रोड्स बिल्ड करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे मुझे ये तोड़ना पड़ेगा और एक इंटरसेक्शन लगाना है। ये रहा हमारा इंटरसेक्शन, लेकिन चेक करना पड़ेगा कितना तोड़ना है। नहीं, ये वाला इंटरसेक्शन नहीं करना, मुझे ये वाला इंटरसेक्शन लगाना है। ऐसे लगाएंगे, सही है, बट इसके लिए बहुत सारा एरिया तोड़ना पड़ेगा। फटाफट से ना थोड़ा बहुत एरिया तोड़ लेते हैं। अरे बहुत सारा तोड़ना पड़ेगा कि लगा दिया। अब बस मुझे रोड्स इसकी चेंज करने हैं। हाईवे है तो हाईवे से ही स्टार्ट हो सकता है। ये वाले तोड़ने हैं मुझे, ये वाले यहाँ से लगाने हैं, बाद में इसको चेंज कर सकते हैं, सही वाले रोड जो है वो ऐड कर सकते हैं। ओके, सही वाले ये है, सही से काम करेगा वैसे, और इंटरसेक्शन पे सही से काम करेगा। अब ये वाला और यहाँ से अब मुझे रोड्स वगैरह बनाने हैं, तो मुझे अपने रोड्स पे जाना है, बेसिक से रोड्स बनाने हैं। ये वाले नहीं, यहाँ तक सही रहेंगे और दूसरे मेरे को यहाँ से लेके आने हैं। यहाँ पे मुझे एक सिंपल सा इंटरसेक्शन लगाना है जो सर्कल वाला होगा, जिसमें मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन हम लगा सकते हैं, बस एक छोटा सा क्लिक करना है। ऑलराइट, अब बस थोड़े से रोड्स सही से बिल्ड करने हैं। ये तोड़ना है जो गलत वाला इंटरसेक्शन है इसका, अब यहाँ से सही से बिल्ड करना है और यहाँ से भी सही से इसको यहाँ तक लेके जाना है। ओके, करेक्ट, इंटरसेक्शन तो सही से हो गया, बट बीच में ट्रीज रह गया, ये हटाने पड़ेंगे। ऑलराइट, बीच में से सारे ट्रीज मैंने हटा दिए जो रोड्स के बीच में आ रहे थे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं इसको, अब यहाँ से ऊपर लेके जा सकते हैं। थी ओके, हमारी सिटी के लिए जितने भी रोड्स हैं वो हमने पूरा डिजाइन कर दिया, पूरी तरीके से हमने इसका मैप ऐड कर दिया है। और अभी क्या करना है, जो हमारी वो वाली सिटी है ना उसको यहाँ से हटाना है, उसको वहां पे लेके जाना है। तो मुझे यहाँ पे जितने भी बंदे हैं ना इनको निकालना है यहाँ से, तो बस मुझे राइट क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल जाएंगे। और इनको मेरे को इस वाले सिटी में ऐड करना है। देखो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे 7,000 बंदे घर छोड़ के जा चुके हैं, 9,000 बंदे घर छोड़ के जा चुके हैं, और इन 9,000 बंदों को मेरे को यहाँ पे ऐड करना है ऐसे। अरे नहीं नहीं, ये तो गलत तरीके से हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, अब यहाँ से करेंगे। ओके, सबको मुझे यहाँ पे अकोमोडेट करना है। अब यहाँ पे घर बनना भी स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। अभी देखो 10,000 बंदे घर छोड़ के जा चुके हैं, 7,000 का फाइन भी चल रहा है, 6,000 बंदे, 4,000 बंदे, मतलब बंदे आ रहे हैं आप रहने के लिए। बस मुझे इसको डिस्ट्रिक्ट ऐड करना है, मुझे सबसे पहले ना इसको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट ऐड करना है। से ये होगा कि हमें पता चलेगा हमारे किस वाले सेक्शन में कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। पूरा एरिया हमने सिटी ही बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, रोड के इस साइड पे जितना भी एरिया है ना वो पूरा हमने सिटी में ऐड कर दिया है। So, alright guys, अभी हमने पूरी की पूरी सिटी जो है हमने यहाँ से शिफ्ट कर दी है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो मेन वाला पार्ट हमारा था जो बिगनिंग में हमने स्टार्ट कर दिया था ना, ये पूरा हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ से। अब दूसरी जगह पे हमने यहाँ पे लेके आ गए इसको टापू पे, क्योंकि ये वाली जगह ना काफी ज्यादा सेफ है सुनामी के मामले में। यहाँ पे बहुत बार इतनी सुनामी आई है ना, पूरा शहर तबाह गया था। अभी आई थिंक मैंने गेम को पॉज मोड पे रखा है, हाँ, इसको रिस्टार्ट करते हैं। अरे मेरे को ना ट्रैफिक मैनेजर लगाना पड़ेगा, उससे ये होगा कि ये जितनी भी गाड़ियां हैं ना वो रुक के काम नहीं करेगी, मतलब ये रुक के नहीं जाएंगी, जहां पे भी सिग्नल है ना वो सारी हटा देंगे। और ये मैंने कुछ लगा दिया, ये बाद में हटा देंगे। सबसे पहले मैंने जो नई वाली सिटी ऐड कर दी है ना, ये वाला सिटी हटा के नई वाली सिटी हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दी है। ओके, नया वाला सिटी जो है ना काफी ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, क्योंकि ये मेन वाले एरिया से काफी दूर रहेगा जहाँ पे बाढ़ बहुत ज्यादा आती थी। अभी जितना भी हो सकता है ना मैंने ट्रैफिक को मैनेज करने
खेलने के लिए रोड्स वगैरह बना दिए थे, बट उसके लिए मुझे एक मॉड की जरूरत है जो है ट्रैफिक मैनेजर, उसके बाद ही हम इसको सही से मैनेज कर पाएंगे। अगर वो नहीं मिला तो इसको मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाएगा। उससे क्या होता है कि हम जो सिग्नल्स वगैरह है वो हटा सकते हैं, और ये जो गाड़ियां रुक रही है ना, उसके बाद इनको रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, काफी फास्ट तरीके से जा सकती है और ट्रैफिक जो है काफी ज्यादा मैनेज हो जाएगा। ये जो बीच बीच में देखो कितनी सारी गाड़ियां रुक रुक के जा रही ना, उसके बाद इनको रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी सिटी में एक मेट्रो स्टेशन लगाना पड़ेगा, और मेट्रो स्टेशन हम पूरा सिटी को कवर करेगा। यहाँ से घूम के फिर वो चारों तरफ से लेके यहाँ तक आ सकता है। मेरे को एक मेट्रो स्टेशन यहाँ कहीं पे लगा देना चाहिए। एक्चुअली पीछे मैंने एक जगह रखी हुई है, तो यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन हम आराम से लगा सकते हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि ये वाली जगह ना एकदम परफेक्ट मेट्रो स्टेशन। और ये आई थिंक ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है, ये मेट्रो स्टेशन है, और ये क्या है, एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन है। हमें प्लेन वाला मेट्रो स्टेशन लगाना है, और इसके लिए अभी आई थिंक ये जगह बहुत ज्यादा परफेक्ट है। और इसके लिए अभी रेलवे लाइन भी बिछानी पड़ेगी, मेट्रो ट्रैक्स के, तो ये वाले ट्रैक्स हमें बिछाने पड़ेंगे यहाँ से, और इसको ऊपर उठाना है क्योंकि यहाँ ओके तो यहाँ से भी हम ऊपर उठा सकते हैं इसको। ओके तो यहाँ पे एक चीज का प्रॉब्लम आ रहा है, वो ये है कि मेरे को ये हटाना पड़ेगा। आई होप कि इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो, इलेक्ट्रिसिटी का इशू ना हो, आई थिंक नहीं होगा। तो हम मेट्रो स्टेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। ये रोड बहुत ज्यादा बीच में आ रहा है, आई थिंक थोड़ा एलिवेट करना पड़ेगा। यस अब हम इसको लगा सकते हैं यहाँ पे, और बीच बीच में मुझे बहुत सारे इसके स्टेशन लगाने पड़ेंगे। तो फटाफट से नाम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो यहाँ पे मुझे एक स्टेशन भी बनाना है जो मैं एक्चुअली बोलने वाला था, बट स्टेशन मुझे यहीं कहीं पे लगाना पड़ेगा। एक प्लेन स्टेशन लगा सकते हैं, या फिर ये वाला कौन सा स्टेशन, एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन विद शॉप्स, बट शॉप्स यहाँ पे हमें नहीं चाहिए होंगे, या फिर चाहिए होंगे बट नहीं, यहाँ पे हमारी सिटी नहीं है तो हमें शॉप्स लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक प्लेन सा स्टेशन हम लगा सकते हैं इधर पास में, और पानी इसको दे देते हैं शायद। ओके पानी का प्रॉब्लम इसको बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम भी नहीं है, तो वो भी एक छोटी सी बात है। तो सबसे पहले ना मुझे ये भी हटाना पड़ेगा, ये क्या लगा के रखा है मैंने बीच में, और रोड्स हमें दोबारा से लगाने पड़ेंगे जो हमने बीच में छोड़ दिए थे। यहाँ से लेके हम इसके साथ इसको अटैच कर सकते हैं, बट इसको ना पूरा घुमा के लेके जाना है पूरी सिटी के बीच में से, और यहाँ पे भी मुझे एक्चुअली इसको इधर कहीं पे सेट करना पड़ेगा। ऑल राइट हम वापस पहुंच गए अपने स्टेशन पे जो हमने स्टेशन लगा दिया था, और उसके साथ जस्ट हम मर्ज करने वाले हैं, बट ये मर्ज नहीं हो रहा। ये कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्लूपी है, तो हम इसको काफ़ी डाउन लेके आ सकते हैं, और यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे और डायरेक्टली इसको पहुँचा देंगे इसके पास में। अब आई थिंक ये पूरा मेट्रो स्टेशन जो है कम्प्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे अभी ट्रेन नहीं चलेंगे, मेट्रो नहीं चलेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने ना उसके लिए एक पाथ बनाना पड़ता है, तो वो पाथ मैंने नहीं बनाया, तो सबसे पहले मुझे वो पाथ बनाना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो एक मेरे को यहीं पे कहीं पे क्लिक करना पड़ेगा स्टेशन के आसपास, क्रिएट अ लाइन। अब मुझे बस लाइन को लेके जाना है, हर एक स्टेशन पे क्लिक करना है जहां जहां पे मैंने स्टेशन लगाया, और वो ऑटोमेटिकली काम कर जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ वाला स्टेशन ये मार्क हो जाएगा, और लास्ट वाला स्टेशन हमें वहीं पे वापस मार्क करना पड़ेगा जो हम लेके आ गए थे, और वो स्टेशन यहाँ पे है। आई होप कि सही से क्लिक हो जाए। ओके देखो अभी मेट्रो स्टेशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, बंदे फैक्ट्रीज में जाके काम कर सकते हैं और बहुत फास्ट तरीके से काम करेगा। सो नेक्स्ट वाली वीडियो में हमें यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मॉड से ना हम काफी ज्यादा ट्रैफिक को मैनेज कर पाएंगे। ये देखो कितनी बड़ी लंबी लाइन है, और कहाँ तक जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखो कितना ज्यादा ट्रैफिक जैम हो रखा है। तो ये उसी के थ्रू कम्प्लीटली मैनेज कर सकते हैं जो ट्रैफिक मैनेजर है। मैंने एक्चुअली एक मॉड लगाया था बट वो काम नहीं करा, आई थिंक कोई लेटेस्ट वर्जन आया होगा इसलिए वो पुराना वाला वर्जन जो है काम नहीं कर रहा। सो ऑल राइट गाइज, आज किस वाले गेम प्ले वीडियो में बस इतना ही। आप सबको ये वाला गेम प्ले वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।